क्या इमरान खान की हत्या कर सकते हैं आतंकी? आतंकवाद विरोधी विभाग CTD की खैबर पख्तूनवा शाखा ने चेतावनी दी है कि आतंकवादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रच रहे हैं। उर्दू अखबार जंग ने मंगलवार को अपनी खबर में कहा कि CTD ने सभी संबंधित एजेंसियों को खतरे के आलोक में पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। जंग के अनुसार CTD की खबर पख्तूनख्वा शाखा द्वारा जारी चेतावनी में कहा गया है कि इमरान की हत्या की साजिश रच रहे आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के एक हत्यारे से मदद मांगी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए खबर में कहा गया है कि CTD ने 18 जून को अलर्ट जारी किया था धमकी को गोपनीय रखने और इंटरनेट मीडिया पर लीक होने से रोकने के आदेश दिए गए थे। PTI नेताओं ने हाल ही में खान की जान पर खतरा होने की आशंका जताई थी। नेताओं ने दावा किया था कि उनकी हत्या के लिए एक हत्यारे को हायर किया गया है। शनिवार को PTI नेता फयाज चौहान ने कहा था कि कुछ लोगों ने एक आतंकवादी को खान की हत्या का जिम्मा सौंपा है। पूर्व प्रांतीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मेरे पास जानकारी है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में कोची नामक आतंकवादी को PTI अध्यक्ष इमरान खान की हत्या करने का आदेश दिया है। PTI के खिलाफ विदेशी चंदा पर चुनाव निकाय का फैसला सुरक्षित बताया जा रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ बहुप्रतीक्षित प्रतिबंध चंदा मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली। PTI के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में 2014 में मामला दाखिल कराया था। उन्होंने अपनी पार्टी पर विभिन्न विदेशी दानकर्ताओं से प्राप्त चंदे में वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया था। पार्टी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित स्रोतों से चंदा नहीं लिया है। अब क्या इमरान खान की हत्या होगी या वे बच पाएंगे, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।